गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू बेटा? ओ गुड, रेडी रेडी रेडी, गुड मॉर्निंग, रेडी गुड मॉर्निंग, रेडी गुड मॉर्निंग, रेडी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। रेडी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, रेडी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू बेटा? ओ एवरीवन इज गुड। ओके, डू रिमेंबर बेटा हाउ मेनी चैप्टर्स आई हैव टॉट यू? हैंड्स अप प्लीज। ओ सो मेनी चैप्टर्स, सच एज हाउ टू टॉक ऑन काउंटिंग, हाउ टू टॉक ऑन टेबल, हाउ टू टॉक ऑन एडिशन, हाउ टू टॉक ऑन सब्ट्रैक्शन। ओ मीन्स यू आर अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस, दिस इज व्हाई यू ऑल आर टॉकिंग इन इंग्लिश। मैडम ध्यान दीजिए, सारे बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, यही वजह है कि सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, है ना बेटा? ओके, आज हम लोग का क्या चैप्टर है बेटा? हाउ टू टॉक ऑन मल्टीप्लाई। ओके लेट अस सी बेटा। हाउ टू टॉक ऑन मल्टीप्लाई, दिस इज आवर टॉपिक टूडे, दिस इज आवर चैप्टर टूडे, है ना बेटा? अच्छा यही चैप्टर है, बिल्कुल। देखो बेटा इस चैप्टर में मेन वर्ड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का हिंदी अर्थ निकलता है गुणा करना। क्या अर्थ निकलता है बेटा? गुणा करना। मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ये। अच्छा सबको पता है, अच्छा मल्टीप्लाई सबको आता है, सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं आता है मल्टीप्लाई पर। चलो बेटा ये मैं सिखा दूंगा कि मल्टीप्लाई पर इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। ओके, हम लोगों को पहले चैप्टर का अर्थ समझना है। ओके, जैसे बेटा कह रहा है हाउ टू, हाउ टू का हिंदी अर्थ होता है कैसे। कह रहे कि टॉक, टॉक मतलब बात करना, यानी कि कैसे बात करें, किस पर? ऑन मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई पर कैसे बात करें, किसमें? इंग्लिश में। अच्छा यानी कि आप सब लोग सीख जाइएगा, है ना? चलो बेटा इस पर आप लोग को एक मास्टर क्वेश्चन याद रखना है। जैसे व्हाट इज प्लस डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहा बेटा मास्टर क्वेश्चन जिसके मदद से हम लोग मल्टीप्लाई पर इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। अच्छा सब लोग शुरू करेंगे बात करना। ओके बेटा वेट प्लीज, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे बेटा कि व्हाट इज टू मल्टीप्लाई टू, ओके कोई आपसे क्वेश्चन करे कि हेलो आराध्या व्हाट इज टू मल्टीप्लाई टू, तो जवाब देना आराध्या कि टू मल्टीप्लाई टू इज फोर। अच्छा सब लोग ऐसे बात कर लेंगे। चलो बेटा ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, बुक नंबर 1 पेज नंबर 72। अच्छा आप लोग पढ़ चुके हैं, चलो बेटा तब तो और आसान हो जाएगा इसको समझना और समझाना और फ्राटेदार में इंग्लिश में बात करना, है ना बेटा? अच्छा मैं आपको ओपन करके दिखाऊं। चलो बेटा मैं दिखा रहा हूं अभी, डन। यही चैप्टर था ना हाउ टू टॉक ऑन मल्टीप्लाई। अच्छा बिल्कुल यही चैप्टर था ना। चलो बेटा मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने बताया था
यही होता है ना। अच्छा यही होता है, चलो इसको हम लोग बड़ा में देख लेते हैं, यही सिंबल रहता है ना। अच्छा बिल्कुल यही होता है। ओके बेटा, यहाँ कह रहा है बेटा बोलकर पढ़िए। कैसे पढ़ना है बेटा? अच्छा बोलकर पढ़ेंगे तभी तो मल्टीप्लाई पर इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। अच्छा सबको पता है, यानी कि सब बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना। चलो बेटा अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज 2 × 2, तो आंसर देंगे बेटा कि 2 × 2 = 4। अच्छा सब लोग ऐसे जवाब दे देंगे। ओके बेटा अगला फिर क्वेश्चन आपसे कोई कर दे, यानी कि आराध्या क्वेश्चन कर दे माही से, तो कैसे जवाब देंगे बेटा? व्हाट इज 3 × 3, तो कैसे जवाब देंगे बेटा? कहेंगे 3 × 3 = 9। अच्छा जवाब दे देंगे। अच्छा चलो इसका मतलब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, है ना बेटा। चलो इस पर और भी एग्जांपल देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि व्हाट इज 5 × 5, तो कैसे जवाब देंगे बेटा? कहेंगे 5 × 5 = 25। अच्छा सब लोग जवाब दे देंगे। ओके बेटा चलो इसी क्वेश्चन को अगर आप किसी से पूछें या कोई आपसे पूछे, वही पूछ सकता है बेटा जो स्मार्ट इंग्लिश बोलता होगा। चाहते हैं ना स्मार्ट बोलना? अच्छा सब लोग चाहते हैं। तो इसी क्वेश्चन को और भी तरीका है पूछने का। जैसे देखो बेटा कह रहा है कि व्हाट मेक्स 3 × 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो कहेंगे बेटा 3 × 3 = 9। अच्छा आंसर एक ही हो रहा है ना। देखो बेटा आंसर एक ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा और आंसर देने का तरीका अलग होगा, आंसर जो है सेम होगा। अच्छा सबको पता चल गया, है ना। चलो बेटा आगे क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। चलो बेटा कह रहा है कि व्हाट इज 10 × 10, तो आंसर देंगे बेटा कि 10 × 10 = 100। अच्छा सब लोग दे देंगे। ओके बेटा चलो इसी क्वेश्चन को कह रहा है बेटा कि व्हाट मेक्स 10 × 10, तो आंसर देंगे बेटा कि 10 × 10 = 100। ये रहा स्मार्ट बोलने का तरीका। अच्छा सब लोग वही बोलेंगे, चलो अच्छी बात है कि आप लोग उसको बोलिए या इधर वाले के बोलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बात करना है। मैडम ध्यान दीजिए कि बच्चा कितना एक्साइटेड है बात करने के लिए। ओके बेटा चलो अगला क्वेश्चन आपसे कोई कर दे कि व्हाट इज 20 × 3, तो क्या कहेंगे बेटा? कहेंगे 20 × 3 = 60। अच्छा अब सब लोग बात कर लेंगे। अच्छा स्मार्ट वाला समझाएं। चलो बेटा कह रहा है कि व्हाट मेक्स 20 × 3, तो आंसर देंगे कि 20 × 3 = 60। अच्छा अब आप लोग फराटेदार इंग्लिश में बात कर लेंगे, है ना। अच्छा आराध्या भी कर लेगी और अच्छा माही भी कर लेगी। चलो बेटा आप सब लोग जो है आपस में बात करना, एक इधर से हो जाना एक इधर से हो जाना, अब बोलना हाय आराध्या हाउ आर यू, तो बोलना कि आई एम गुड एंड यू, तो बोलना आई एम ऑल्सो गुड। फिर पूछना बेटा कि व्हाट इज 3 × 3, व्हाट इज 5 × 5, व्हाट इज 10 × 10, व्हाट इज 8 × 8, व्हाट इज 7 × 7, व्हाट इज 2 × 2। अच्छा आप लोग ऐसे बात करेंगे, चलिए अच्छी बात है। मैडम ध्यान दीजिए जब बच्चे इतना एक्साइटेड है बात करने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ
दो बच्चों को पेयर लगा देना है बोर्ड के पास और बात कराना शुरू कर देना। आपको सिर्फ गाइड करना है, बच्चे ऑटोमेटिक मैथमेटिकल कन्वर्सेशन सीख जाएंगे हर चैप्टर पर, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, टेबल हो, काउंटिंग हो, या जितने भी चैप्टर पढ़ाया गया है हर चैप्टर पर प्रैक्टिस करवाया गया है, प्रैक्टिकल करवाया गया है। आपको सिर्फ गाइड कर देना है, बच्चे इंग्लिश में बोलने लगेंगे, है ना बेटा, बोलेंगे ना? अच्छा, सब लोग बोलेंगे। चलो बेटा, इस चैप्टर पर कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, करा कि ट्राई योरसेल्फ नाउ, यानी कि अब खुद से कोशिश करना है। करो बेटा, बोल कर पढ़िए और लिखिए। अच्छा, बोल कर पढ़ेंगे और लिखेंगे तभी तो लिखना भी आएगा और फराटेदार बोलना भी आएगा, है ना? इसका मतलब सब लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ना बेटा। चलो अब आपसे कोई क्वेश्चन करे बेटा कि व्हाट इज 3 × 2, तो आंसर धड़ल्ले दीजिएगा, फराटेदार दीजिएगा बेटा, नन स्टॉप दीजिएगा। फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, चाहे आराध्या कर दे क्वेश्चन, तो जवाब दीजिएगा व्हाट इज 5 × 3, तो जवाब दीजिएगा ना भाई। अच्छा, बिल्कुल जवाब देगी, ओके। चलो बेटा, फिर आराध्या आपसे पूछे कि व्हाट इज 4 × 3, तो जवाब दीजिएगा। चलो बेटा, फिर आपसे पूछे कि व्हाट इज 5 × 2, तो जवाब दीजिएगा। फिर कोई पूछे बेटा कि व्हाट इज 7 × 4, तो अच्छा जवाब दे देंगे आप लोग, ओके बेटा। फिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 8 × 3, तो जवाब दीजिएगा एकदम नॉन स्टॉप। चलो बेटा, स्मार्ट वाले पर थोड़ा सा देखेंगे बेटा, करे कि व्हाट मेक्स 7 × 4, तो क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा, सबको पता है, चलो बेटा तो आंसर दे देंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपसे कोई पूछे बेटा कि व्हाट इज 17 × 8, अच्छा जवाब दे दीजिए आप लोग। चलो बेटा, फिर कोई पूछे कि व्हाट इज 18 × 9, अच्छा इसका भी जवाब दे दीजिएगा, ओके। इसी क्वेश्चन को कोई बेटा पूछे कि व्हाट मेक्स 18 × 9, तो मेक्स पर जवाब देना है ना। अच्छा, सबको पता है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे बेटा कि व्हाट इज 19 × 10, अच्छा एकदम जवाब आप लोग दे दीजिएगा, है ना? इसका मतलब आप लोगों को टेबल याद है ना बेटा। अच्छा, टेबल के वजह से ही आप लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि टेबल पर ही मल्टीप्लाई इंग्लिश में बात किया जाता है ना। चल बेटा, अगर फिर कोई पूछे कि व्हाट इज 20 × 10, अच्छा 20 × आप लोग को याद है, यानी कि टेबल याद है ना, इसलिए आप लोग फराटेदार इंग्लिश में बोल रहे हैं ना। चलो बेटा, अगर आपको 20 तक टेबल याद है तब तो मल्टीप्लाई पर एकदम चुटकी बजाकर इंग्लिश सीख जाइएगा, है ना? अच्छा, पहले से ही याद है। चलो बेटा, आप लोग इसी तरह से अगर रेगुलर क्लास कीजिएगा, इंग्लिश में बात कीजिएगा, तो कल मैं आप लोग को टॉफी दूंगा। अच्छा, मैंने प्रोमिस किया है पुलिस बनाने के लिए। चलो बेटा, मैं आप लोग को पुलिस भी बनाऊँगा, डॉक्टर भी बनाऊँगा, और मारिया को पायलट भी बनाऊँगा, ओके। चलिए, अब मैडम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो तो दो बच्चों को खड़ा करिए, इधर से और एक इधर से, आप दोनों को बात करवाइए। अगर घर पर एक ही बच्चा है तो आप खड़े हो जाइए, स्कूल में तो बच्चों को कमी नहीं है, एक इधर से खड़ा कराइए और बात कराइए। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज 2 × 2, व्हाट इज 3 × 3, व्हाट इज 5 × 5, व्हाट इज 10 × 10,
व्हाट इज 20 मल्टीप्लाई 10, व्हाट इज 8 मल्टीप्लाई 8। अच्छा, सब लोग करेंगे बात बेटा। चलो बेटा, जब आप लोग करेंगे बात, दोस्तों से कीजिए, मैडम से पूछिए, मैडम से आइए तो पूछिए कि मैडम व्हाट इज 10 मल्टीप्लाई 10, व्हाट इज 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, आपसे आज से करेंगे आप लोग। चलो बेटा, अगर आज से आप लोग बात कीजिएगा तो कल मैं आप लोग को टॉफी जरूर दूंगा। ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू बेटा, बाय।